वर्तमान में असंतुलित जीवनचर्या के कारण कम उम्र में ही हृदय की समस्याएं लोगों में देखने को मिलती हैं, जिसके चलते बाईपास एंजियोप्लास्टी जैसी खर्चिक सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है, जिससे व्यक्ति आर्थिक एवं शारीरिक रूप से भी कमजोर होता है। लेकिन अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले 21 सालों से त्रिमूर्ति नगर स्थित स्वामी समर्थ अस्पताल में ईसीपी ट्रीटमेंट के जरिए सफल इलाज किया जा रहा है। गौरतलब है कि स्वामी समर्थ अस्पताल में डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप पाटिल की निगरानी में दी जा रही ईसीपी ट्रीटमेंट हार्ट मरीजों के लिए बड़ी कारगर साबित हो रही है। बाईपास होने के बावजूद समस्या से ग्रस्त मरीज जिनका बाईपास नहीं हो सकता, वह मरीज और ज्यादा उम्र वाले मरीजों को भी ईसीपी ट्रीटमेंट से राहत मिल रही है। त्रिमूर्ति नगर से डॉक्टर प्रदीप पाटिल के श्री स्वामी समर्थ हार्ट केयर सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऐसे अनेक मरीजों को समस्या से छुटकारा मिला है। एंजियोग्राफी के बाद अक्सर डॉक्टर एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी कराने की सलाह देते हैं, लेकिन इसके बावजूद 100% आराम मिलने की गारंटी कोई भी नहीं देता है। वहीं ईसीपी ट्रीटमेंट में बगैर चीरफाड़ के बाईपास बताए गए मरीजों को भी राहत मिलती है, जो काफी सराहनीय बात है, जिसके चलते वैद्यकीय क्षेत्र में डॉक्टर प्रदीप पाटिल का नाम उच्च स्तर पर लिया जाता है। उनके सराहनीय कार्य के लिए डॉक्टर प्रदीप पाटिल को कई पुरस्कार भी मिले हैं। बहरहाल इस समय हमारे संवाददाता ने डॉक्टर प्रदीप पाटिल से बात की, जहां उन्होंने एसीपी ट्रीटमेंट की महत्वता के विषय में जानकारी दी। नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, रोजमर्रा की बिजी जिंदगी के कारण कई जो है पेशेंट में हार्ट ब्लॉकेज देखने की समस्या जो है प्रतीत हो रही है, और हार्ट ब्लॉकेज होने के बाद बड़ी बीमारियां जो है हार्ट की प्रतीत हो रही है। तो कई बार जो है बाईपास एंजियोप्लास्टी जैसी खर्चिक ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, खर्चिक ऑपरेशन करना पड़ता है, लेकिन ईईसीपी के माध्यम से जो है स्वामी समर्थ अस्पताल में यहाँ जो है बिना ऑपरेशन के एक अच्छा प्रभाव मरीजों पर मिला है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रदीप पाटिल। क्या बताना चाहेंगे सर, ये जो नई ईईसीपी के द्वारा जो है ट्रीटमेंट कराई जा रही है, इसकी क्या महत्ता है? आमतौर पर होता है कि अगर किसी पेशेंट को चेस्ट में पेन हुआ या फिर हार्ट अटैक आया, तो तुरंत उसको आईसीयू में एडमिट किया जाता है। उसके बाद में उसको इको करवा के, टीएमटी करवा के, एंजियोग्राफी करके, या तो एंजियोप्लास्टी बोला जाता है, बाईपास बताया जाता है। होता क्या है, आम जिंदगी जीता रहता आदमी, ऑल ऑफ ए सडन उसके सामने में इतना बड़ा सवाल आ जाता है कि अपनी पूरी बाईपास करना। तो इस सब मामले में पैसा भी इन्वॉल्व होता है, हर किसी के पास उतना पैसा नहीं होता है, और एक प्रकार से अपनी छाती को ऑपरेट करना बोले तो एक बहुत बड़ी बात हो गई। कहाँ कहाँ से पेशेंट आते हैं, क्या बताना चाहिए? हाल ही में एक पेशेंट है जिनका नाम था मिस्टर जांगिड, उनके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। ये इटली के पेशेंट है, यानी फॉरेन के हैं। तो इनको उस वक्त इटली में तकलीफ हुई थी चेस्ट में, तो अनायास ये एडमिट हुए थे इटली के हॉस्पिटल्स में। लेकिन उनको फिर वो जब भारतीय है तो उन्होंने राजस्थान में आए, राजस्थान से सीधा मेरे यहाँ पे आए। मेरे यहाँ आने के पहले हॉस्पिटल में 3 बार 7 दिन 10 दिन और 8 दिन तक के एडमिट रहे आईसीयू में। उसके बाद में एंजियोग्राफी की गई, और एंजियोग्राफी करने के बाद में 8 ब्लॉकेजेस बताए गए थे। इसके अलावा उनका जो हार्ट का पंपिंग था 30% पे था, 5 कदम भी चलते थे तो उनको दम लगता था, चेस्ट पेन होता था, और बाईपास ही एक आखिरी विकल्प करके डॉक्टरों ने बताया था। ऐसे कंडीशन में मेरे पास आने के बाद में मैं बोला कि ठीक है, मैं आपका इलाज करने को तैयार हूँ। मैंने उनका इलाज किया। आमतौर पे 35 दिन का ईसीपी कोर्स होता है, मैंने उनको 50 दिन का किया। उसके बाद में उन्होंने वो ठीक हो गए। उसके बाद में उन्होंने इको करवाया तो 58% पे पहला इजेक्शन फ्रैक्शन आया। फिर उन्होंने और लगा कि अपने और एक जगह करना चाहिए, तो उन्होंने और एक जगह किया। अल्टीमेटली इको का इजेक्शन फ्रैक्शन 60% पे आया। उस आदमी का इजेक्शन फ्रैक्शन 30 से बढ़कर 60 पे आ गया, और अभी उसको किसी भी प्रकार का दम नहीं लगता है, श्वास नहीं फूलता है, उसके अंदर चेस्ट पेन नहीं होता है, और अभी वो अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ में आ गया है, और अब वापस इटली चला गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जब आया था तो बहुत दुखी था, और यहाँ से जब गया तो पूरा परिवार, पेशेंट ही नहीं, पेशेंट का परिवार भी सब यहाँ से खुश होकर गए। उनके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि अगर सपोज़ एक आधे पेशेंट को हार्ट अटैक आता है या हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो पेशेंट अकेला सफ़र नहीं करता है, पेशेंट के साथ उसके रिश्तेदार जो भी है वो भी परेशान हो जाते हैं कि एक अपने सामने में एक परिवार पे आपदा आई हुई है, अब अपन उसको फेस कैसे करें। तो पेशेंट के अलावा जो रिश्तेदार अलग से जो एगोनी फील करते, पेन फील करते, उसमें पैसे से लेकर हर चीज़ आती है।
सर, जिस प्रकार से आपने बताया अनहेल्दी जो है वर्तमान में अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण हार्ट की ब्लॉकेज की समस्या बढ़ रही है, तो क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप इन बीसीएन के माध्यम से, ताकि जो है हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके? आमतौर पर पहले क्या होता था कि 40 साल या 50 साल के ऊपर के लोगों में हार्ट की बीमारियाँ या डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ आती थी, बट अभी ऐसा नहीं रहा। अभी एज का क्राइटेरिया नहीं रहा, हम देखते हैं कि यंग बच्चे, लड़कियाँ, इनको हार्ट अटैक आ रहे और हार्ट की बीमारी से जूझ रहे। होता क्या है, इसके लिए जिम्मेदार होता है कि हमारी जो लाइफस्टाइल, जंक फूड, उसके बाद में हमारा खान पान, रहन सहन और जो हमारे व्यसन रहते हैं, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, दारू, उसके बाद में नॉन वेज, चीज़, पिज्जा, बर्गर, ये जो जंक फूड है, ये सब उसके लिए कारणीभूत रहते हैं। इसके अलावा अभी जो यंग जनरेशन आई हुई है, उनको काम का टेंशन बहुत रहता है, उनके ऊपर में बहुत सारे गोल्स रहते हैं कि अपने को ये गोल्स अचीव करना है। हम लोग देखते हैं कि कई लोग तो दिन रात काम करते रहते हैं, तो काम के गोल के चक्कर में वो अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देते और सेहत पे बुरा असर होकर आखिर में हार्ट अटैक से लेकर और भी हार्ट की बीमारियाँ हो जाती है उनको। तो दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, वर्तमान की अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण जो है काफ़ी बड़ी समस्याएं हार्ट की या प्रतीत हो रही है, साथ ही साथ तनावग्रस्त जिंदगी के कारण कई हार्ट की समस्याएं आगे आ रही है, जिसके चलते स्वामी समर्थ अस्पताल में ECP का जो ट्रीटमेंट यहाँ दी जा रही है, बिना किसी चीरफाड़ के यहाँ हार्ट की ट्रीटमेंट दी जा रही है, और वो काफ़ी कारगर है। इटली से भी यहाँ पेशेंट आए हैं, जो कि काफ़ी सराहनीय बात है। तो देखते हैं आगे किस प्रकार का जो है पेशेंट किस प्रकार का अनुभव साझा करते हैं। साथ ही इस समय हमने पिछले 12 साल से स्वामी समर्थ हार्ट केयर सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हरिकृष्ण बदनकर से बात की, जो आज 76 साल के हैं और साथ ही ECP ट्रीटमेंट लेकर वो फिट हो चुके हैं। इस समय उन्होंने बताया कि 2012 में अचानक से उन्हें हृदय समस्या ने घेरा, जहाँ काफी तकलीफ भरे दौर से वह गुजरे, लेकिन जब वह स्वामी समर्थ हार्ट केयर सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आए, तो डॉक्टर प्रदीप पाटिल की निगरानी में उन्हें ECP ट्रीटमेंट दी गई, जिसके बूते पर वह आज तंदुरुस्त हो चुके हैं। एक समय ऐसा था कि उन्हें अस्थमा के कारण सांस लेने में भी तकलीफों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने कश्मीर का पर्यटन किया, जहाँ स्नोफॉल में भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। साथ ही योग के शौकीन हरिकृष्ण आज सर्वांगासन जैसा कठिन आसन भी आसानी से कर पाते हैं, जिसके चलते उन्होंने हार्ट समस्या से ग्रसित मरीजों को ECP ट्रीटमेंट का परामर्श तो दिया ही, साथ ही में स्वामी समर्थ हार्ट केयर सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की टीम और विशेष रूप से डॉक्टर प्रदीप पाटिल का धन्यवाद दिया है। मेरा नाम हरिकृष्ण गुलाबराव मदनकर है, सौलम्बी नगर में रहता हूँ। मेरी उम्र अभी 75 कम्प्लीट है, 76 रनिंग है। मैं पिछले 12 साल से 2012 से इनकी पहली मशीन जब आई थी, तब से ये अनुभव है इसका मशीन का। पहले मुझे अस्थमा का तकलीफ था, और उसके बाद में एक रात में ज़रा रात को 2-2.5 बजे तकलीफ हुआ, हार्ट का प्रॉब्लम आया कुछ तो भी, तो फिर सवेरे फिर इनके पास में आया, तो इन्होंने फिर ये मशीन का ट्रीटमेंट दिया, तो उसके बाद में एनर्जी लेवल बढ़ गई मेरी और तबीयत ठीक हो गई। अभी मैं इस लेवल पे हूँ कि मुझे कोई अस्थमा का कोई तकलीफ नहीं है और हार्ट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी पिछले अप्रैल में कश्मीर जाके आया, -4 डिग्री में था, फिर भी मेरे को अस्थमा और हार्ट का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया और सफ़र अच्छा हुआ और एनर्जी लेवल अभी बढ़ी है। अभी उसके बाद में ये सब होने के बाद में अस्थमा वाला आदमी, तो अस्थमा और हार्ट का प्रॉब्लम जिसको है वो योगा कर नहीं सकता, उतनी एनर्जी नहीं रहती। अभी मैं योगा भी करता हूँ, डेली 1 घंटा योगा करता हूँ, 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, और सर्वांगासन जो सबसे कठिन आसन है, जिसको सब आसनों का राजा बोलते हैं, वो बहुत कठिन आसन में ऐसी परिस्थिति में आधा घंटा सर्वांगासन में रह सकता हूँ, इतनी मेरी कैपेसिटी बढ़ गई। हाँ, मैं लोगों को ये सजेशन देना चाहूँगा कि ये मशीन और ये इनका ट्रीटमेंट लेने के बाद में ब्रेन में भी अगर क्लॉट रहा तो वो भी निकल जाता है, क्योंकि मेरी सिस्टर को प्रॉब्लम आया था, उसने वो ट्रीटमेंट लिया, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं था, उसको ब्रेन में क्लॉट आया था MRI निकालने के बाद में, उसको ये उसको BP और शुगर होने की वजह से इन्होंने सजेस्ट किया कि ये ट्रीटमेंट चालू कर दो। तो हमने वो ट्रीटमेंट लेने के बाद में ऐसा महसूस हुआ कि वो ब्रेन का क्लॉट निकल गया। उसके पहले, वो ट्रीटमेंट लेने के पहले ब्रेन में सिल का तकलीफ होती थी, पेन होता था, तो अभी वो ख़त्म हो गया,
वो मशीन के वजह से वो अभी 75 साल की उम्र में ट्रीटमेंट लिया था और 80 साल की उम्र है, 80 के ऊपर है अभी, लेकिन अभी ठीक ठाक है। उसने भी ट्रीटमेंट लिया, मेरे मिसेज ने भी ट्रीटमेंट लिया और बहुत सारी बीमारियाँ इसमें ख़त्म हो जाती है। अभी जैसे कि कोरोना आया था, तीसरा वैक्सीन जिसने लिया उसकी अनेक बीमारियाँ ख़त्म हो जाती थी, कुछ प्रॉब्लम तो निकल जाती थी। ये मशीन ऐसी है कि हार्ट के लिए आते हैं लेकिन उसके साथ में दूसरे भी कुछ बीमारी तो वो भी निकल जाता है, तो इसलिए ये ट्रीटमेंट लेने में और इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट है, एडमिट होने की ज़रूरत नहीं और ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, चीरफाड़ की ज़रूरत नहीं, ये बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, लोगों ने इसका लाभ लेना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन रहेगा। व्यक्ति यदि 70 साल से अधिक हो जाए तो किसी भी ऑपरेशन का जोखिम लेना कठिन हो जाता है, ऐसे में हृदय रोग का ऑपरेशन हो तो यह और भी मुश्किल काम हो जाता है। यदि बगैर ऑपरेशन कोई हृदय रोग को ठीक करने की बात करे तो ये बहुत ही फायदेमंद और उम्मीद की किरण की तरह होता है। ऐसा ही स्वामी समर्थ हार्ट केयर सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ACP ट्रीटमेंट के माध्यम से दी जा रही ट्रीटमेंट अब असाध्य हृदय समस्या का निराकरण चुटकियों में करी है, जो कि काफी पुरस्कृत बात है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ मनीष टिमरी की रिपोर्ट।